भाई ये निंजा देख रहे हो पूरी रैप करके एकदम बिल्कुल डिफरेंट लग रही है भाई देखने में ZX9। और भाई देखो यहाँ पर एक ट्रैम्प की रॉकेट थ्री खड़ी है, ये भी पूरी रैप कर रखी है भाई, क्या गजब लग रही है यार। भाई मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कावासाकी निंजा ZX10R और पूरी रैप कर रही हुई XBHP की पूरी रैप कर रही हुई बाइक, और भी बाइक्स है वहाँ पे, लेकिन आपको दिखाता हूँ, चलो पूरा देखना वीडियो को और स्किप मत करना ठीक है, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ठीक है, चलो दिखाता हूँ आपको बाइक में। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब, एक बार फिर से वेलकम आपका एक नई वीडियो के अंदर। तो भाई देखो आज अपने सामने खड़ी है कावासाकी ZX10R। भाई ये गाड़ी अब तो पता ही आपको एक सुपर बाइक है, और भाई ये गाड़ी इस तरह से रैप कर रखी है, देख सकते हो आप भाई पूरी गाड़ी रैप कर रखी है। और XBHP जो है भाई, XBHP यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, उसने अपनी पूरी रैपिंग कर रखी है उसके ऊपर, देख सकते हो आप गाड़ी को, पूरा गाड़ी पूरी स्टॉक है भाई, भाई सारी गाड़ी यहाँ पर, और भी गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन यहाँ पर सारी गाड़ी भाई एकदम पूरी रैप कर रखी है, देख सकते हो भाई क्या मस्त लग रही है भाई, देख लो। और भाई इसकी टॉप स्पीड आपको पता ही है भाई, कावासाकी अपनी ZX10R की जो टॉप स्पीड 299 है। बाकी यहाँ पर और भी बाइक हैं, आप इसको देखो पहले यहाँ पूरी रैप कर रखी है, आगे भी इसकी टंकी पे देखो, इसके आगे फ्रंट में देखो, मतलब गाड़ी एकदम मस्त लग रही है भाई, रैप करके तो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। बाकी इसका जो कलर है वो कि ब्लैक में है, लेकिन पूरा रैप कर रखी है। और देखो भाई ये रही एक Rocket 3, ट्रैम्प की Rocket 3 है भाई, ये भी पूरी रैप कर रखी है, देख रहे हो ना XBHP। भाई कमेंट करके बताओ आपको गाड़ियाँ कैसे लग जाए, और आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी, नीचे कमेंट कर देना। और देखो ये रहा XBHP का यहाँ पर लोगो, ये स्टॉल जो लगी यहाँ पर, ये जो लगा रखा है यहाँ पर, ये XBHP के थ्रू लगा रखा है। और यहाँ पर देखो एक और Ducati की नेकेड सुपर बाइक खड़ी हुई है, ये भी पूरी रैप कर रखी है भाई साहब, रैपिंग तो ऐसे कर रखी है, बिल्कुल परफेक्ट कर रखी है, कहीं से भी कुछ मतलब ऐसा नहीं कहीं से आपको कुछ बॉडी का ओरिजिनल पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको पूरा रैप कर रखा है गाड़ी को। मुझे तो भाई तीनों गाड़ी पसंद आ रही है। और देखो यहाँ पर एक और है आपको, वो भी दिखाऊंगा मैं, बाकी आप इसको देखो भाई, ये अपनी Ducati की नेकेड सुपर बाइक, जैसे अपनी निंजा आती ना Ginoso, सेम उसी के सिमिलर है। देखो यहाँ पर एक इंडियन ब्रांड की खड़ी हुई बाइक, ये एक पूरा क्रूजर बाइक की जरा देखने में, और भाई ये भी काफ़ी बल्की है देखने में, रॉकेट जैसे ना ट्रैम्प की रॉकेट है, सेम उसी की तरह देखने में। देखो आपको और दिखाऊं थोड़ा पीछे से, देखो यहाँ पर दो साइलेंसर निकल रहे हैं, ये ड्यूल सिलेंडर के अंदर आती है बाइक, एक्रा पावर के इसमें दो एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, देखो ये पूरी रैपिंग वगैरह देखो यहाँ पर आप। और भाई ये सिंगल सीटर है, जैसे ZX10R है वैसे यहाँ पर भी सिंगल सीटर दे रखा ऑप्शन, डबल सीट का नहीं है, आप लगा सकते हो बाद में। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना भाई। और ये छोटी सी वीडियो थी, बड़ी वीडियो थी, बाकी अब मैं कोशिश करूँगा एक बड़ी वीडियो लाने की ठीक है, तो उसके लिए बने रहो, सब्सक्राइब कर लो और पुरानी वीडियोस भी जाके देखो, बहुत सारी वीडियोस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, सुपर बाइक्स पर, कार्स पर, तो जाके देखो भाई और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बाय। This potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be, they sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing, so get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss, don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon, fuck that, I'll do what I wanna do, I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me